हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है मनीषा। स्वागत है आपका कार्डियो किचन में। आज हम बनाएंगे चावल के बड़े। ये बड़े हम सांभर और चटनी के साथ खा सकते हैं। इसके लिए हमें चावल को गलाने की जरूरत नहीं है। जो हम 4-5 घंटे पहले चावल को गलाते हैं, इसको आज हम इंस्टेंट बनाएंगे। ये 15 से 20 मिनट में बनके तैयार हो जाते हैं। इसके लिए जो सामान मैंने लिया है, 1 कप चावल। ये चावल का मैंने टुकड़ी लिया है। अगर आप पूरे चावल लेते हैं तो उसको हमें 10-15 मिनट पहले गलाना पड़ेगा। 1 कप दही, 1 कप पानी, थोड़ा सा नमक स्वाद के अनुसार और जीरा। चलिए शुरू करते हैं अपनी आज की रेसिपी। सबसे पहले हम चावल को 2-3 बार अच्छे से धोएंगे। ये चावल को मैंने अच्छे से धो लिया है। अब इसको हम एक मिक्सर में डालेंगे और इसका हमें एक फाइन पेस्ट बनाना है। इसी के साथ हम पानी भी डालेंगे और जो दही हमने लिया था वो भी इसी में मिला देंगे और इसको अच्छे से पीस कर एक फाइन पेस्ट इसका हम बनाएंगे। इसको हमने अच्छे से पीस लिया है, इसका एक पेस्ट बनके तैयार हो गया है। अब हम कढ़ाई में 1 चम्मच तेल गरम करेंगे। तेल गरम हो गया है, अब हम इसमें थोड़ा सा जीरा डालेंगे और ये जो पेस्ट हमने बनाया था वो इसमें डालेंगे। बहुत धीरे धीरे डालना है। इसको अच्छे से चलाते हुए बिल्कुल मीडियम फ्लेम पे इसको पकाएंगे हम। इसको हमें लगातार चलाते रहना है, नहीं तो इसमें लम्स बन जाएंगे। इसके तले पे अच्छे से इसको घुमाना है सभी तरफ से। 2 से 3 मिनट में ये पक के तैयार हो जाएगा और ये गाढ़ा होने लग जाएगा। ये गाढ़ा होने लग गया है थोड़ा थोड़ा। अब इसमें हम थोड़ा सा नमक मिलाएंगे, ज्यादा नहीं मिलाना है, बिल्कुल थोड़ा सा ही इसमें मिलाएंगे। ये चिपकना नहीं चाहिए तले से, नहीं तो इसकी स्मेल आ जाएगी। ये अच्छे से गाढ़ा हो गया है। अब हम इसको गैस बंद कर देंगे और एक प्लेट में निकालेंगे ठंडा होने के लिए। मिक्सर हमारा ठंडा हो गया है। अब इसको हम बड़े का शेप देंगे। थोड़ा सा हाथ पे ऑयल ग्रीस करेंगे, छोटा सा पेड़ा लेंगे इस तरह से, इसका सर्किल बनाएंगे, थोड़ा सा हाथों से दबाएंगे और इसको बीच में से इसमें होल करेंगे दोनों साइड से। बस इस तरह से ये दोनों साइड से तैयार है। इसी तरह से हम अपने सारे बना के तैयार करेंगे। तेल गरम हो गया है, अब हम इसमें बड़े तलेंगे। एक बार में पैन में जितने आएंगे उतने ही हमें डाल लें। एक बार ये थोड़े से ऊपर होने लगेंगे तलकर अपने आप, उसके बाद हम इसको टर्न करेंगे। ये बड़े अपने आप तल के ऊपर आ गए हैं, अब हम इसको टर्न करेंगे। ये देखिए अच्छे से गोल्डन होने लगे हैं। मीडियम फ्लेम पे हमें इसको तलना है। इसको तलने में 2 से 3 मिनट लगेंगे। ये बड़े तलकर तैयार हो गए हैं। ये दोनों ही साइड से बहुत अच्छे गोल्डन हो गए हैं और क्रिस्पी भी दिख रहे हैं। अब हम इसको निकाल लेंगे। देखिए इसमें कितना अच्छा कलर आया है। बस इसी तरह मैं सारे तल के तैयार कर लूंगी। ये सभी बड़े बनकर तैयार हो गए हैं। ये बहुत ही क्रिस्पी और सॉफ्ट बने हैं। आप ये रेसिपी जरूर ट्राई करिए। अगर आपको हमारी रेसिपी पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर पास वाले बेल आइकन को दबाकर ऑल क्लिक करें। थैंक यू।